नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीपीएस टेक्निकल गुरु। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडस स्लैम फास्ट टैग कैसे क्रिएट करते हैं। पहले आपको एजेंट बनना होगा, आपको वहाँ से एक एजेंट आईडी क्रिएट हो जाएगा, आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उससे आप ऐसे कर सक टैग रजिस्टर कैसे करना है मैं आज आपको बता देता हूँ। आपको रजिस्टर, आपको एजेंट बनने के बाद आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड में आपको ऐसा मिल जाएगा, और आपको ऐसा लॉगिन आईडी में आपको एक कैप्चा डालना पड़ेगा, और ये रखा 4623 ऐसा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाएगा, वहाँ पे टैग रजिस्ट्रेशन में जाने का, और आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने का। ये रहा, मैं डाल रहा हूँ कस्टमर का मोबाइल नंबर, और हो गया। ये ऑलरेडी रजिस्टर है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक ही नंबर पे दूसरा गाड़ी भी रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो कस्टमर पहली बार टैग रजिस्टर कर रहा है तो उसको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा सेम कैसे ओटीपी होने के बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करना है, और व्हीकल नंबर डालना है, और चासी नंबर डालना है, कमर्शियल है तो कमर्शियल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप एजेंट होने के बाद आपको टैग परचेस करना है, वो टैग कौन सा क्लास का है और व्हीकल कौन सा है वो सभी आप चेक करके उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके, कमर्शियल रहेगा तो कमर्शियल जीप फ्लाइट कमर्शियल कौन सा है, ट्रक है, ट्रक 6 है, क्लास 4A, क्लास 5, क्लास 6 कौन सा है सेलेक्ट करके आपको यहाँ डालना है। और यहाँ पे सीरियल नंबर आपको लास्ट 7 डिजिट सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आरसी बुक अपलोड करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको हो जाएगा क्रिएट, उसके बाद आपको कस्टमर को लॉगिन आईडी पासवर्ड चला जाएगा, उसके हिसाब से वो लॉगिन कर सकता है। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉल ऑन 8861281284। थैंक यू।